चौकीदार चौकीदार चल रहा। अब मैं देख रहा हूँ तीन दिन से स्पीड ब्रेकर स्पीड ब्रेकर स्पीड ब्रेकर चल रहा है। हैदराबाद आए मंजिल स्पीड ब्रेकर, बंगाल गए ममता दीदी स्पीड ब्रेकर, वहां गए उन्हें स्पीड ब्रेकर, क्या बात है। चाय वाले हो गए, चौकीदारी खत्म हो गई, क्या आइंदा इलेक्शन में अब ड्राइवरी की तैयारी कर रहा है। आप बताओ, अजीब है। और हम पूछते हैं तला के तला था मुसलमानों को उनकी खवातीन को हक दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, मैं न सिर्फ अपनी बहनों को अपनी बच्चियों को हक दूंगा, मैं हिंदुस्तान की हर बेसहारा औरत के हक के लिए लड़ूंगा। बशमूल कल के चाय वाले आज की चौकीदार के शरीर के हालात उनकी बीवी के हक के लिए भी मैं लड़ूंगा। क्या आपकी बेगम साहब आपकी साथ थी? नहीं। आप देखे प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहती है क्या? नहीं। इंशाल्लाह हम भी विदेश करेंगे, हम भी विदेश करेंगे, जरूर गुजरात की भाभी को जरूर प्राइम मिनिस्टर हाउस तक हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। बीजेपी वालों को बड़ा खराब दिखता है, अब बरसाना ऐसा मुझे गलत क्या बना? तू मेरी बच्ची के बारे में बात करे, मेरी बहन के बारे में बात करे, मुस्लिम खवातीन की बात करे, और मैं मुस्लिम खवातीन के साथ आपकी मोहतरमा की भी बात करा, गलत बात करी। गलत क्या? अरे हम बोले तो बड़ी तकलीफ, स्पीड ब्रेकर करती नहीं। अरे कैसा वजीर आजम है? अरे ये बाबा नगर के बाजू में क्या है? ये दीवार किसकी है? जोर से बोलो, डिफेंस की है, डीआरडीओ की है, डिफेंस रिसर्च सेंटर है। फिर पुराना शहर कुछ तरक्की नहीं है, पुराने शहर में नालियां हैं, ठीक है, आइंदा हैदराबाद का आगे पाइप ला ले नाली में डाल। अभी बातें तरक्की नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, तरक्की है, खुशहाली है, हमारे नालों की फिक्र कर रहा है। गंगा को साफ करा? अब तक नहीं किया। गंगा पुकार रही है, चीख रही है, कह रही है कि मुझे गंदगी खुमार है, मैं जितनी गंदी हो रहने दो, छोड़ दो। सबसे पहले ये बीजेपी आरएसएस की गंदी सोच, उनकी गंदी फिक्र, उनकी गंदी आइडियोलॉजी को साफ करो, खत्म करो।